हेलो गाइज, कैसे हो? ठीक ठाक। चलिए, आज एक ऐसे स्ट्रेटजी के साथ आए हैं जो लो रिस्क का है और अच्छा इनकम जनरेट करके देता है, जिसका नाम है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसमें रिस्क बहुत ही कम होता है लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, और लो कैपिटल का भी है। इसमें ज़्यादा कैपिटल लगता भी नहीं है, और इसको ना किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है, और इसमें अच्छा प्रॉफिट का चांस तो होता ही है और लोग कमाते भी हैं। इसको हैंडल करने आए तो दोनों तरफ से इसको किया जा सकता है, बुलिस और बेरिस दोनों, एक ही ट्रेड को दोनों तरफ से किया जा सकता है। तो आज सिर्फ सिंपल बटरफ्लाई के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं बना के क्या होता है। दिसंबर जनवरी महीने का बनाएंगे, रिसेंटली 2023 वाला ही, जो एक्सपायरी के बाद अगले दिन डाल दो और इसको ट्रेड किया जा सकता है। लो रिस्क का होता है, इसको कभी भी किया जा सकता है। इसका मतलब इसमें बहुत ही अच्छा है, मतलब ये रिस्क के मामले में तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। 10:20 पे, जैसा कि हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो इसी टाइम पे लगभग मार्केट सेटल होने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे किया जा सकता है। अभी हमारा स्पॉट जो चल रहा है 18,200 के आसपास है, तो 18,200 का स्पॉट ही बेच लेंगे दो लॉट से। इसका 18,200 का दो लॉट स्पॉट ही बेच लेंगे और इसको हेज करेंगे दोनों तरफ से, एक इन द मनी में और एक आउट ऑफ द मनी में। तो कितने, जैसे कि 338 का हमने प्रीमियम रिसीव किया है, वो भी दो लॉट से, तो एक इसका लगभग 300 हो गया ना। तो 300 रुपये का, 300 पॉइंट से अंदर जाएंगे, एक यहाँ से 100 पॉइंट, ये 200 और ये 300, 300 पॉइंट अंदर जाके एक लॉट बाई कर लेंगे, और 300 पॉइंट ऊपर जाके एक लॉट बाई कर लेंगे। इसको दोनों तरफ से हेज हो गया ये, मतलब एक इन द मनी में और एक आउट ऑफ द मनी में। तो 18,500 का बनेगा ये, तो हम इसको एक लॉट इसको बाई कर लेते हैं। अब इसको एक लॉट बाई कर लिए, उसके बाद अब देखिए हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ हो गया हमारा। इसके बाद देखिए इसमें लॉस कितना है, 2155 का, और रिवॉर्ड कितना है, 12,700, मतलब 12,800 का। रेंज इसमें थोड़ा सा छोटा मिलता है, इसी वजह से इसका प्रोबेबिलिटी, पीओपी जो होता है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट का जो मैक्स, यहाँ पे ये तो सिमुलेटर है, ये अगर आप ऑप्स्ट्रा में चेक करोगे तो यहाँ पे एक आता है पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि नहीं इसका रेंज किधर भी टूट सकता है इसके वजह से। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट अगर रहा, इस रेंज में ही अगर मार्केट घूमता रहा, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। तो चलिए इसको एक बार सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या होता है। ये आ गए, आराम से बैठे रहना है, इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत, मतलब जल्दीबाजी नहीं है, जल्दीबाजी में इसको सिमुलेट, सॉरी एडजस्ट करने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वैसे भी लो रिस्क है। अगर खोने को है तो हमें सिर्फ 2100 रुपया है, 2150 है। अगर आ गया तो हमें 12,000 तक का भी प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि एक बटरफ्लाई को डिप्लॉय करने में 35 से 40 हज़ार रुपया लगता है। तो 35-40 हज़ार में 12,000 का, मतलब या 10,000 का भी कोई बुरा है, नहीं है रिवॉर्ड, लेकिन मिले तब। चलिए इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। बैठे रहना है सिर्फ, जब तक ये ब्रेक इवन ब्रेक ना करे। फिर भी आगे 1500-1600 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा। सिंपल है ये, इसका एडजस्टमेंट का वीडियो एक बाद में बनाऊंगा,
उसमें एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट इससे लिया जा सकता है। और तो चाहिए इसमें सिर्फ इतना ही कि कैसे इसको बना सकते हैं, इसका डिप्लॉयमेंट कॉस्ट कितना होगा, और इसमें यही सब, इसमें इसको सिंपल ही रखेंगे। देखिए हमारा ब्रेक इवन टूट चुका है, फिर भी हमें अभी 1200 का लगभग प्रॉफिट दे रहा है। तो जिसका जितना कैपेसिटी वो रुक सकता है, नहीं भी रुक सकता, निकल सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लॉस ही है 2100-2200 का। तो मैक्सिमम लॉस कब लगेगा? जब ये इधर कहीं पे एक्सपायर करेगा, लेकिन अभी तो मार्केट में अभी 12 दिन है, 10 दिन है अभी, तो ये ऊपर नीचे वही प्रॉफिट को बढ़ा। अगर लगता है कि हमारे लिए हो गया तो लगभग ले सकते हो आप, यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। 35,000 में अगर 3400 का आ गया, 3400-3500 का, तो लगभग आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड तो मिल ही चुका है, आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। वैसा कुछ नहीं है कि इसमें बैठे ही रहना है या इसको जबरदस्ती एडजस्ट ही करना है, मत करिए, अपना प्रॉफिट लीजिए, निकलते जाइए, अपना प्रॉफिट लीजिए, निकलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लो रिस्क का है, इसमें 2100 का 2200 का मैक्सिमम लॉस है। लीजिए 6,000 का तो वैसे ही आ गया। अगर 1 महीने में 35,000 में, तो उसका 10% होता है 3500, लगभग क्या हो गया, ये 20% हो गया, वो 18-20% के करीब हो गया। अब क्या चाहिए, 23। चलिए एक दिन और देखते हैं कि अगर हमारा व्यू अगर सही हुआ तो हमें क्या मिल सकता है। देखिए ये 10 मतलब 20% कैपिटल का, जो 35-40 हज़ार में, अगर मान लो 40,000 भी लगता है, तो उसमें लगभग 7500 का कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। अगर अभी भी लालची हो, अभी भी टिके रहना है, या एनालिसिस कुछ है कि मार्केट अभी भी कुछ कर सकता है, तो अब सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, इसका इसमें मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है प्रॉफिट को, वो बता रहा हूँ कि अब आ गए यहाँ पे, अब ये 35 का रह गया, तो अब क्या करो, कुछ नहीं करना है, सीधा आइए इसको ना बुक कर लीजिए 35 रुपये पे, चाहे 35 पे इसको बुक कर लेंगे। चलिए एक छोटा सा एडजस्टमेंट इसमें बता ही देता हूँ कि बम्बास्टिंग कैसे किया जाता है इसके थ्रू। अब जो हमारा ये बाई रह गया है 268 का, मतलब 268, तो अब इसका हाफ जो होगा वो 2 लॉट बेच लेंगे, तो इसका हाफ हो जाएगा वही 132-135 के करीब में, तो इसका हाफ होगा 132 और 35 के बीच में होगा। तो ये वाला 2 लॉट सेल कर दीजिए, 2 लॉट सेल कर दिए, और अब क्या करेंगे कि 30-30 रुपये का, 30 रुपये का ये रहा, 30 रुपये का कॉल बाई कर लो 2 लॉट, और 30 रुपये का पुट था नहीं है, और यही 30-35 रुपये का कॉल बाई कर लो। अब मार्केट हिला कहीं भी तो अच्छा प्रॉफिट देगा, सिर्फ हिलना चाहिए, लॉसलेस ट्रेड तो वैसे ही हो चुका है, ये इसमें लॉस कहीं है ही नहीं। और अगर हिला, कहीं भी हिले, तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट, या यहीं पे अगर रह गया तो भी लॉस तो लगना नहीं है, 3100 का प्रॉफिट लेके आओगे, लेकिन प्रॉफिट हाफ रह जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा। चलिए 24 है ना, ये 25 को आ गए, और ये 19,000 का हो गया। अब देखिए प्रीमियम कहाँ पे गया होगा, ये देखिए यहाँ पे आ गए, 19,000 का प्रॉफिट हो चुका है। और अभी भी अगर रुकते हैं
तो बढ़ेगा, नहीं तो इच्छा है तो निकलिए, नहीं तो लास्ट तक सिमुलेट करके देखिए, लास्ट तक ही देखते हैं कि क्या होता है। चलिए 20,800 900 के करीब। उसके बाद अब देखिए क्या होता है, 19,800, 1,000 का प्रॉफिट घट गया। और अब देखिए क्या हुआ, 22,600 700। अब देखिए 22,770 उसके बाद 20,200 2,000 का प्रॉफिट घट गया। इसके बाद 21,900 21,900 के बाद 21,000। रुकना है तो रुकिए, नहीं तो निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वैसे भी लॉसलेस है, इसमें तो कुछ होना है नहीं, लॉसलेस है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये रहा 21,700 का अच्छा प्रॉफिट है 35-40 हज़ार में, कोई बुरा नहीं है अगर हमारे साथ अगर ये ट्रेड चला तो। इसमें कोई एक लास्ट में जाके छोटा सा एडजस्टमेंट किए हैं, वैसा कुछ इसमें है नहीं। चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।